अब तक एक किलोग्राम की जो परिभाषा बताई जाती थी वो बदल गई है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि एक किलोग्राम वजन में तनिक भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर इसकी परिभाषा बदलने की क्या जरूरत थी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं और साथ ही ये भी जान लीजिए कि नई परिभाषा कैसे तय की गई है। दरअसल वर्ष 1889 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह तय किया था कि एक किलोग्राम की परिभाषा क्या होगी। अब 129 वर्ष बाद इस परिभाषा में बदलाव किया गया है। इसकी वजह यह है कि अब तक जिस मिश्र धातु के बेलन से ये किलोग्राम द्रव्य का मानक तय किया गया था उसमें इन 129 वर्षों में 50 माइक्रोग्राम की कमी आ चुकी है। यह एक अरब के 50वें हिस्से के बराबर है। अब नई पद्धति में मानक के तय करने के लिए धातु के बजाय विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को आधार बनाया गया है। इस तकनीक से धातु के द्रव्यमान में आने वाली प्राकृतिक कमी से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकेगा। शुक्रवार को फ्रांस के वर्सेलीज शहर में 60 देशों के वैज्ञानिकों ने मतदान के बाद यह निर्णय लिया। इसका निर्णय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स के में किया गया। इससे नैनो टेक्नोलॉजी दवाओं के विकास इंजीनियरिंग में नए मापक से ज़्यादा सटीकता और शुद्धता हासिल की जा सकेगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके।